टेबल ऑफ विंड्स, मतलब वही आवर्ती, मतलब प्रोग्रेसिव या चेंजेस होते रहते हैं इसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली इंडियन मॉनसून को हम दो सेशन में डिवाइड करते हैं, ग्रीष्म और शीत। ग्रीष्म मतलब समर और शीत मतलब विंटर। और बारिश इसी का एक बाय प्रोडक्ट रेनफॉल भी, जो कि हम देखेंगे आगे। ठीक, अब इन दो सीजन में अगर हम बात करें, और इनके जो सेंटर का सीजन है ग्रीष्म के बाद, वो क्या आती है, रेनफॉल होती है, जिसको स्पेसिफिकली मॉनसून से कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक, अब आपने देखा होगा दो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे कभी, नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लो, जल समीर जिसको सी ब्रीज। और है थल समीर। इसको बोलते लैंड ब्रीज। ठीक है, क्या होते हैं देखते हैं। जल समीर का मतलब है कि जब पवने या विंड जल से थल की ओर चलती है, जब पवने मतलब वाटर से लैंड की तरफ चलती हैं या समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, तो इस सीजन में विशेषकर गर्मी होती है। कौन सा महीना होता है? थल समीर का मतलब है जब पवने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जलिया इसको समुद्र भी बोल सकते हैं। कैसे करेंगे काम वो देख लीजिएगा। दो चीजें हैं यह मैप बनाती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सन है यहाँ पर, ये लैंड एरिया है और ये वाला वाटर है। ठीक, ये एरिया है लैंड। कहीं पर यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, कहीं पर लैंड है, कहीं पर कुछ कुछ गड्ढे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग रहते हैं, ये घर बना हुआ है किसी का। यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ठीक, तो ये जो एरिया है ये लैंड है, स्थल, और ये थल। अब ये सूर्य है, और सूर्य से क्या आती हैं,
हीट इन द फॉर्म ऑफ बंच ऑफ फोटॉन्स या हीट्स के पॉकेट्स में सनरेज आती है। मान लीजिए सपोज करिएगा गर्मी का महीना है, कौन सा सीजन है? समर सीजन है। अब समर सीजन में आप खुद दिमाग लगाइएगा कि कौन सा एरिया पहले गर्म होगा। फर्स्ट हीट, सबसे ज्यादा हीटेड कौन सा रीजन होगा? पानी पहले गर्म होगा कि जमीन पहले गर्म होगी? तो बिना सोचे सिर्फ एक्सपीरियंस के बिहार पर आपको बता देना चाहिए कि मैडम पहले तो जमीन ही गर्म होगी, है ना? होगी ना जमीन गर्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी गर्म होगा। एग्री करते हैं इस बात से? नहीं हो तो देख लेना एक्सपीरियंस करके। यदि सुबह सुभे सुबह धूप पड़े तो पानी भर के रखो वहां पर, ठीक है? वह फिर छू के देखो पानी पहले गर्म हुआ कि उस एरिया की लैंड पहले गर्म हुई, पता चल जाएगा जमीन पहले गर्म हुई है। ठीक, ओके। क्यों हुआ ऐसा वो हम देखते हैं, और इससे हमारे मॉनसून का क्या कनेक्शन है ये भी हम देखते हैं, ठीक है? प्रश्न है लेकिन आप पढ़ लो यहाँ पर कि जो जितने जो पदार्थ जितनी जल्दी गर्म होते हैं वो उतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जितनी तीव्रता से ऊष्मा अवशोषित करते हैं उसी दर से या उतनी ही शीघ्र ऊष्मा का निष्कासन भी करते हैं। अर्थात जो जितनी जल्दी गर्म होंगे वो उतनी जल्दी ठंडे हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपने कभी किचन में काम करा हो तो अगर तवा जनरली सबके किचन में होता है, ठीक है? तवा जो कि किसका बना होता है, विशेषकर आयरन या लोहे का, उसको गर्म करने रखिए और किसी स्टील के बर्तन को गर्म करने रखिए, है ना? तो आप देखेंगे कि जो तवा है वो अधिक समय में गर्म होगा। ठीक है, गर्म भी अधिक समय में होगा और ठंडा भी अधिक समय में होगा। तो नहीं यूज कराओगे ना, इस तरह से रहता है, रोटी बनाते हैं जिसमें हम, और एक स्टील का कोई पतीला आप ले इस तरह से और उसको जब गर्म करेंगे तो वो
गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ी देर भी छूओगे तो हाथ जल जाएगा, और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो पदार्थ ऊष्मा के जितने अच्छे अवशोषक होते हैं उतने ही मतलब जितनी तीव्रता से वो जल्दी अवशोषित कर लेते हैं उतनी ही तीव्रता से वो उसे ऊष्मा को निष्कासित भी कर लेते हैं, जबकि जो जितने देरी तक एब्जॉर्ब करते हैं वो उतनी देरी तक उसे होल्ड करके भी रखता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा कि ये एरिया जल्दी गर्म हो गया, ये एरिया जल्दी ठंडा हो गया, देर से गर्म हुआ। तो जो जल्दी गर्म हुआ वो जल्दी ठंडा होगा, जो देर से गर्म हुआ वो देर से ठंडा होगा। तो होता क्या है गर्मी के दिनों में कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, पानी देर से गर्म होता है। लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी देर से ठंडा होता है। तो अब गर्म और ठंडी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इस रीजन में नाइट में, विशेषकर किस सीजन में, रात्रि में, मतलब किस रात्रि में ये क्षेत्र में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा हो गया। तो ठंडा हो गया तो वहां पर कैसी हवाएं हैं, हवाएं क्या होंगी, ठंडा हो गया तो प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा ना, क्योंकि जब हवाएं ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ बैठती है, वो ज्यादा भागती नहीं है इधर उधर, ठीक है। और इस एरिया में क्या हो जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हवाएं कैसी चलेंगी, जल से स्थल की ओर, ठीक है, और यहाँ हवाएं कैसी चलेंगी, स्थल से समुद्र की ओर। तो जहां भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एरिया बने, डे और नाइट की कंडीशन अलग होगी, ठीक है, ये बात आप समझ जाइएगा। दिन की स्थिति अलग होगी, और दिन में ये चैनल उल्टा हो जाएगा, और रात में हाई प्रेशर लो प्रेशर, दिन में लो प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वेंट्स वो इस एरिया में मूव करेंगी। वहीं अगर किसी एरिया में क्या होता, गर्मी की जगह ठंड ठंड होती, तो ठंड में क्या होता, पानी तो ऑलरेडी ठंडा है ही है, तो हवाएं कहाँ से, ठंडा है मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर क्या है लो प्रेशर है, तो हवाएं कहाँ से तरह चलेंगी, जल से थल की ओर, और यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो दिन और रात में जल थल और की ये जो पोजीशन है ये चेंज होती रहेगी। तो ये दो स्थितियां हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। और ये 6-6 महीने की स्थितियां हैं, मतलब 6 महीने तक ज्यादा मात्रा में जो पवने हैं वो जल से थल की तरफ चलेंगी, और लैंड ब्रिज में 6 महीने तक ज्यादा मात्रा में स्थल से जल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये तो लैंड और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, इतना लिख लिया समझे। बारे में बेसिक डेफिनेशन देखी, और परिभाषा के साथ साथ हमने ये देखा कि अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि मॉनसून पढ़ने में काम आएंगे। ये इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, और ये टूल्स जब आप मॉनसून पढ़ते हैं टाइम पर यूज करोगे तो मॉनसून आपको इजी लगेगा, ठीक है। इजी है नहीं, आपको इजी बना के इसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण विषय है आपका। तो आई थिंक इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सबको। ये वाला वीडियो लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं, मॉनसून के ही वीडियो लेक्चर सेकेंड होगा, उसमें हम मिलेंगे, और इससे आगे की मॉनसून के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, एलिनो कैसे काम करती है, निष्कर्ष क्या है, भारतीय मॉनसून किन क्षेत्रों से उत्पत्ति होती है, भारतीय मॉनसून से कौन कौन से राज्य में कितनी वर्षा होती है, ये सारे बिंदुओं पर हम नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा करेंगे। तब के लिए थैंक यू।